হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করবো সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো প্রথমেই তোমাদের বলি, তোমরা তো জানোই এটা আমার ব্লগ চ্যানেল। তো বেশ কিছুদিন হয়ে গেল আমি ব্লগ দিচ্ছি না, তো ভাবলাম যে ব্লগ দিচ্ছি না যখন তাহলে একটা অন্য রকম ভিডিও বানানো যাক। তো ভাবলাম, ভাবতে 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 শেষে একটা মাথায় এলো যে একটা রিয়াকশন ভিডিও বানালে কেমন হয়। তো এরকম রিয়াকশন ভিডিও আমি কিন্তু আমার চ্যানেলে আগে কোনোদিনও দিইনি, তো ট্রাই করব আজকে। তো দেখা যাক ভিডিওটা কেমন হয়। তো আমি যে ভিডিওটার উপর রিয়াকশন দিতে চলেছি সেটা হলো পুরীর জগন্নাথ মন্দির। তোমরা সবাই চেনো, এবং সেই জগন্নাথ মন্দিরে এমন কিছু অজানা রহস্য রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না। তো চলো আমরা ভিডিওটা দেখি, ভিডিওটার মাধ্যমে আমরা সব কিছুই জানতে পারবো। আর একটা কথা, আমি যার ভিডিওটা রিয়াকশন দিচ্ছি সেই ভিডিওর লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তো তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। তো চলো শুরু করা যাক। দোস্ত আজ হম বাত করেঙ্গে এসি মন্দির কে বারে মে জহাঁ বিরাজমান ভগবান কি মূর্তি মে উসে ভগবান কা আসলি দিল মৌজুদ হ্যায়। জি হ্যাঁ, আপনি বিলকুল সহি সুনা। সাথ হি এসা কাহা জাতা হ্যায় কি জব ইস মূর্তি কি জগহ नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकाल कर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, और इस दौरान पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान इस दिल को ना देख सके। और अगर गलती से भी कोई इंसान इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। ये भव्य मंदिर है पूरी का, भगवान जगन्नाथ का मंदिर। आइए दोस्तों जानते हैं पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। नंबर एक, दोस्तों आपने यह तो देखा होगा कोई भी झंडा हवा के दिशा में ही लहराता है, लेकिन आपको बता दूं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर दो, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष यानी कि गुंबद को देख पाना असंभव है। इस गुंबद की छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद इस गुंबद की परछाई सुबह दोपहर शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर तीन, मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। इसे नीर चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है जो कि अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। नंबर चार, समुद्र पुरी का रहस्य। दोस्तों सामान्यता किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाता है। ये की कोड़े संभव। नंबर पाँच, आमतौर पर ऐसा देखा गया है किसी भी मंदिर मस्जिद तथा किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर आज तक कभी भी किसी पक्षी को उड़ते या उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर मनाही है। अच्छा। नंबर छह, दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा मंदिर में उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस भव्य मंदिर में पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है, और ध्वज भी इतना भव्य है जब यह लहराता है तब सब देखते ही रह जाते हैं। इस भव्य ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर सात, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है।
इस रसोई में 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करता है। अच्छा। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है, यहाँ चाहे लाखों भक्तों क्यों ना आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी कि आज तक यहाँ पर प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है, उसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तन में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है, और उसके बाद 6वें, 5वें, 4वें, दूसरे यानी सबसे पहले यानी कि नीचे का जो बर्तन है, उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। हाँ, ऐसे की कोई संभावना है ना? दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है, कहा जाता है कि सिंह द्वार नहीं, तो मैं जाबो। आपका कदम जब तक नहीं जाता तब तक आपके कान में समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, ये लहर की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। क्यों अद्भुत ना? नंबर 9। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई भलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है, उस वक्त पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस वक्त मंदिर में किसी का भी एंट्री पाबंदी होती है। अच्छा। सिर्फ उन पांडा यानी कि पुजारियों का ही एंट्री होता है जिन्हें मूर्तियों को बदलनी होती है। नंबर 10। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व को लीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। ऐसा मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ के लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। दोस्तों, आप भी अगर इसे बना रखिए, आई बटन में लिंक देखे चो, आमार कथागुलो शुने सत्यि लोमगुलो दाड़िये गेछे। एटा कि करे सम्भव? 60টা হাড়ি ওখানে রান্না হচ্ছে, সবার ওপরে যেটা রয়েছে 7 নম্বরে সেটার আগে রান্না হচ্ছে, তারপরে 6, তারপরে 5, তারপরে 4, তারপরে 3, তারপরে 2, তারপরে সবার লাস্টে 1। ওয়ানেরটা তো আগে হওয়া উচিত, কারণ যেহেতু আগুনটা ওয়ানের নিচেই জ্বলছে, তাই না? সত্যি এটা মানে অবাক, সত্যি আমার এটা দেখে কেমন লাগছে, মানে 7 নম্বরের হাড়ি রান্না কি করে আগে হচ্ছে? সত্যি ভগবান আছে, ভগবান, আমি তো বিশ্বাস করি ভগবান আছে। আমি অনেক কিছুর প্রমাণও পেয়েছি। অনেকে বিশ্বাস করে না যে ভগবান নেই, মানুষের যেটা ভাগ্যে থাকবে সেটাই হবে, কিন্তু ভগবান আছে, এটা আমার বিশ্বাস। আরও একটি কি, যখন আমরা দেখবে বাড়িতে মূর্তি তুলে আমরা পুজো করি, যে কোনো পুজো করি, তখন কিন্তু সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তো ওখানেও সেরকম, যখন সেটা করা হয় তখন মানে চারিদিকে লাইট অফ হয়ে যায় যাতে কেউ না দেখে, আর সেখানে শুধুমাত্র একজন পুরোহিত আছে, তিনি সেই কাজটা করতে পারবে। তো এটা একটা মানে অবাক করা ব্যাপার, তোমরা ভাববে যে এটা কি করে সম্ভব। আর যদি কেউ ওটা দেখে ফেলে তাহলে সে ঘুমের মধ্যে মারা যাবে, এরকমটা বলল। তো এটা ভাবো, এটা কি করে সম্ভব, তাই না? একটা কথা, মন্দিরের ওপর দিয়ে কোনো ধরনের পাখি, প্লেন, হেলিকপ্টার মানে কিছুই যায় না। ভাবো পাখিরা কি করে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমাদের এই জায়গা এই ওপর দিয়ে যাওয়া উচিত নয়। ওরা তো আপন মনের ডানা মেলে উঠতে থাকে, তাই না? তো ওরা কি করে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমাদের এইখান দিয়ে যাওয়া উচিত নয়,
তাহলে ভাবো তো এরকম অনেক রহস্যই আছে, তাই না? অনেক দূর দূরান্ত থেকে পুরীতে আসে সবাই। তো আমার আমার মতে পুরীতে কিন্তু সবারই একবার যাওয়া উচিত। আমি তো এখনও যাইনি, আমি নিশ্চয়ই যাব, আমার খুব যাওয়ার ইচ্ছে, পুরীর সমুদ্র দেখার ইচ্ছে, পুরীর বিশেষ করে আমার রথযাত্রাটা দেখার ভীষণ ইচ্ছে। তো জানি না ভগবান আমার কবে ডাকবে, আমি তবেই সেখানে যেতে পারবো। তো আমি চাইবো তোমরাও একবার গিয়ে ঘুরে আসো, খুব ভালো লাগবে সবার। তো চলো, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে। ওকে, আজকের মতো টাটা, আবারও দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন।